फिर रोता फालतू में क्या मांगे दिल्ली मीटिंग है क्या कि नोचुला की झूठ धारी मीटिंग है दिल्ली में क्या कहीं कर ले अरे तो और किसने क्या कर लिया अटकी तो सीएम बन गया दादाजी ठाकरा फिरता नहीं तो मुख्यमंत्री बन गया राजस्थान का मारे दादाजी फिरता था एक गण टिक्कर में झुंझुनू में फिरता दादाजी कुछ नहीं बने मंत्री बने थे कोई दिल्ली में राज्य मंत्री बना कोई चार छह महीने बाद कैबिनेट मंत्री बन गए कौन पूछता राज्य मंत्री नाम तो नहीं जानते मोदी जी नाम ही नहीं जानते मैं बैठा था उनके पास एक राज्य मंत्री की पर्ची आई कि कौन है क्यों मंत्री अच्छा ये कौन है कि साहब आपका मंत्री है अच्छा अच्छा नहीं जानते इन लोग पागल हो गया क्या मांगे दिल्ली मीटिंग है क्या कि नोचुला की झूठ धारी मीटिंग है दिल्ली में फिर रोता फालतू में तीन टिकट रेल का खराब करे कुछ नहीं इनके पास कोई सामान नहीं है हम बोल रहे हैं ताकत तो हमारी खुद की पार्टी के भाषण तो देता अगर बीजेपी में होता तो भाषण देने कोई काम कौन करो बोले नहीं बोलते टिकटी जाओ पहले ए तीन जना बोली छह जना बोली बाकी नहीं बोलेंगे तो पार्टी छोड़नी पड़ेगी भाई तो कम से कम आपकी आवाज तो उठा रहे हैं माने कोई पूछ रहे तो कौन पड़े कोई काम करा फट फट कर ला बात किससे करें आपसे कर लेते हैं कि बताओ कोई नफो नुकसान तो कौन है आपस में लड़ाई तो नहीं कि नहीं ठीक ओके आपके साथ तो फिर फोन लगाना पड़े भागीर जी बयान दे पूछना पड़े चार बार मेरे को स्विच ऑफ आओ शाम तक इंतजार करना पड़ेगा पांच आयोग तो मैं तो ये चाहता हूँ मैं क्या इनको मोटिवेट करूँ मुझे मजा आता है पचास पांच पांच लाख की रैलियों में तमाम किसान के बेटों को तैयार करने का प्रयास किया नौजवान नेताओं देखिए एक जमाना होता था अरे भाषण देर कौन जानता लोग तीस साल पहले जानता नहीं भाषण देर एक गाड़ी आगे फिरती लारू नेता जी आता करीब उच्ची ना दौर दो मीटिंग करीब दे दिया पाते लोग वोट दे देते कांग्रेस को देंगे भाई इतने वोट लिखे होते जाट मेघवाल विष्णोई नागदे कांग्रेस ने और ए दे दे बीजेपी ने और अपना आप काउंटिंग हो जीती पहले साला पीने का पानी नहीं स्कूल नहीं सड़क नहीं और इतना आतंक था मैं ये नहीं कह रहा हूं कानून तोड़ो पुलिस का डर रहना चाहिए अपराधियों के अंदर आम आदमी पुलिस से डरे कहीं मतलब बाकी की पुलिस है अपराधी पुलिस से डरे और आम आदमी के अंदर ये रहे भाई पुलिस हमारी मदद करेगी उल्टा काम होगा आजकल तो पुलिस कहीं साहब चले देखो थानेदार कहां से लगेगा एमएलए साहब लिखेंगे एमएलए साहब कोना के लिख ली पहले तो मैंने दो रुपया दो एमएलए साहब ने पचपी का हिसाब में काम करो केस दर्ज करनो कि नहीं करनो कई इमरजेंसी में एमएलए साहब को फोन नहीं मिल रहा होएगा बता क्या करके बताओ तो पुलिस का सिस्टम भी खत्म हो गया कानून का राज खत्म हो गया इसको ठीक करना है हमारा राजस्थान क्यों खराब हुआ बजरी 500 रुपए टन बजरी के ले रहे हैं और 50 रुपए टन लेने के बाड़मेर में 20,000 लोगों के साथ में लड़ता रहा रात को सारे एक हो गए खिलाफ बोले बजरी की दरें कम मत करना हनुमान जी को फायदा मिल जाएगा मेरे क्या फायदा मिलेगा तो लड़ ही रहा हूं वहां बाड़मेर में तो दूसरा और कर लूंगा तीसरा कर लूंगा देश में कर लूंगा प्रदेश की सड़कों पर कर लूंगा ठंड के अंदर लगातार एक व्यक्ति लड़ रहा है आपके लिए संघर्ष कर रहा है और उसने लड़ते लड़ते 20-25 साल का जीवन आपको दे दिया मेरा तो कोई फायदा नहीं मेरे तो बच्चे भी छोटे हैं कब बड़े होंगे बताओ मुझे कब बड़े होंगे कब उनको फायदा मिलेगा राजनीति का वो तो आपके लिए लड़ रहा हूँ आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाए कोई ये नहीं किया हमारे को कि वो किसान के बेटे ऐसे ही घूम रहे हैं मैं आपके सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ देश के अंदर मुझे कोई जब किसान के तरफ टोंट कसता है या किसान की मजाक उड़ाता है हमारी मजाक उड़ाता है तो मुझे गुस्सा आता है कि मजाक क्यों उड़ा रहा है हम मजबूत है हमारा इतिहास लिखने वालों ने सही नहीं कहा देश में अगर सबसे बड़ा इतिहास किसी कौम का है वो हमारी कौम का है जिसका इतिहास लिखा नहीं गया अगर इतिहास लिखते हैं तो इसी कौम का सबसे बड़ा इतिहास होता कौन लिखेगा इतिहास बताओ हमारा तो काम होता है तो हमें याद कर लेते हैं वोट के टाइम रैली के टाइम और बीच में अपना दलाल छोड़ दे मंत्री ताई की बात करें और मुख्यमंत्री जा कदमों में पड़ जाए ये आप रोज देख रहे हैं।